ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट. टुडे इज़ आर सेकंड क्लास, ग्रेड 3. आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा और आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो समझ में आ गई होगी. आज हमारा सेकंड टॉपिक है रोमन नंबर्स. रोमन नंबर्स क्या हैं? अभी तक हम सिर्फ नंबर्स के बारे में पढ़ते हुए हैं. आज हम पढ़ेंगे कि रोमन नंबर्स क्या हैं. यहाँ लिखा है फर्स्ट लाइन, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सब कॉन्सेंट्रेट करिएगा. We can write a number in numerals and in word form. आपने देखा है कि हम दो फॉर्म्स में अपने नंबर को लिख सकते हैं, एक नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं और एक इनवर्ड्स फॉर्म में, इन वर्ड्स यानी वर्ड्स में लिख सकते हैं, जो आप स्टार्टिंग से 1 और 2 में करते हुए आ रहे हैं. तो जो दोनों फॉर्म्स हैं इनको हम कहते हैं अरेबिक न्यूमेरल्स, अरेबिक नंबर्स कहते हैं. बट द नोमर इन रोमन्स इंट्रोड्यूस रोमन न्यूमेरल्स एज गिवन बिलो. बट रोमन ने जो है वो नो रोमन नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया है और इसके अंदर कुछ हमारे अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स भी होते हैं. वी कैन सी डेट 1, एक आई है, एक वी है, एक एक्स है, जो हम यूज़ करते हैं रोमन नंबर्स को लिखने के लिए. ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं हम. ओके, इन रोमन नंबर वी यूज आई. आई इज इक्वल टू 1. अगर हम आई लिखेंगे तो आई का मतलब होगा कि आई किसके बराबर है, 1 के बराबर है. देन वी यूज 5. वी इज इक्वल टू 5. वी जो है वो 5 के इक्वल है. और एक्स इज इक्वल टू 10 और एक्स जो है वो 10 के इक्वल है. ठीक है, अगर मैं किसी नंबर को अरेबिक नंबर्स में लिखूं, नंबर नेम में लिखूं और फिर अगर उसको रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करूं, तो वो मैं कैसे करूंगी? रोमन्स ने इंट्रोड्यूस करवाएंगे नंबर्स. अरेबिक नंबर मैंने लिखा, नंबर्स में न्यूमेरल फॉर्म में मैंने लिखा 5. अगर मैं इसको नंबर नेम्स में लिखूंगी यानी इनवर्ड्स काउंटिंग में लिखूंगी, तो मैंने यहाँ लिखूंगी इसको 5. बट अगर मैं इसको रोमन नंबर्स में लिखूंगी, तो रोमन नंबर्स 5 जो है, वी हमारा रिप्रेजेंट करता है 5 को. कुछ हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, मैंने पहले ही आपको बताया है, जो अभी तक हम पढ़ेंगे, कि आई इज इक्वल टू 1. आई जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है. 5 जो है, वी जो है वो 5 को रिप्रेजेंट करता है. और एक्स जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पर मैंने तीनों आपको इसके स्टेट्स दिखाए कि यहाँ पे अरेबिक नंबर्स में किस तरह लिखेंगे, रोमन नंबर नेम में कैसे लिखेंगे, इनवर्स काउंटिंग में और रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे. अब हमने यहाँ लिखा 5, जो हमें नंबर में शो करना था. यहाँ पे नंबर नेम हमें FIV 5 नंबर नेम में शो किया है. और अब हमारे पास नंबर नेम क्या है हमारे पास? 5. वी में जिसको हमने शो कर दिया है. ओके क्लास, हर चीज़ को करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं और मैथ्स में भी हमारे पास हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं जिसकी मदद से हम वर्क करते हैं. तो रोमन नंबर जो है उसके अंदर कुछ हमारे रूल्स हैं. फॉर एग्जांपल, रूल नंबर 1. ओके, रूल नंबर वन व्हेन न्यूमेरल्स रिपीट नेक्स्ट टू ईच अदर वी एड द वैल्यूज. अगर हमारे पास दो रोमन नंबर्स की वैल्यूज होंगी और जो एक जैसी होंगी, तो अगर दोनों सेम होंगी तो हम उनको ऐड कर देंगे. मींस आई अगर 1 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसको हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स जो है हमारी वो रिपीट कर रहे हैं, वो दोनों नंबर्स जो हैं वो सेम हैं. तो इसका मतलब है 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2. अगर दोनों वैल्यूज जो हैं हमारी रिपीट हो रही होंगी, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे. अब एक्स है, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स हमारा 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जब एक्स 10 को रिप्रेजेंट करेगा, अगर यहाँ पर 2 वैल्यूज लिखी हुई, एक्स मीन्स 10 + 10 इज इक्वल टू 20. इट्स मीन अगर आपको कहीं पर एक्स लिखा हुआ रोमन नंबर में नजर आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो है 20 के बराबर. ठीक है, अगर इसी तरह से हमारे पास लिखा हो 1 1 1, तो ये आप कौन सी क्लास में, 3rd क्लास में 3rd क्लास में, तो आप अपनी क्लास को इस तरह से लिखकर शो करेंगे 1 1 1 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3. तो ये आपकी क्लास 3 के लिए आप लिखेंगे रोमन नंबर्स में 3i बनाएंगे. और जब सेम नंबर रिपीट, व्हेन नंबर जो है वो रिपीट नेक्स्ट टू ईच अदर हो रहे होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं. ओके, नाउ रूल नंबर टू, व्हेन ए स्मॉलर नंबर रिटर्न बिफोर बिगर वी सब्ट्रैक्ट वैल्यू.
अगर कोई भी स्मॉल नंबर हमारा किसी भी नंबर बिगर नंबर से पहले लिखा होगा, अगर स्मॉल नंबर बिगर नंबर से पहले लिखा होगा तो हम उसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब किस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर है 5, मैंने यहाँ बनाया रोमन नंबर का 5। 5 के बाद यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इस 1 लिखती हूँ, 5 के बाद मैं यहाँ क्या लिखती हूँ, 1। अब हम इसको मैं नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखती हूँ कि नंबर फॉर्म में क्या है, नंबर फॉर्म के क्या 5। और यहाँ पर मैंने आपको रूल क्या बताया था, व्हेन ए स्मॉलर नंबर रिटन बिफोर बिगर वी सब्ट्रैक्ट द वैल्यू। अगर कोई भी स्मॉलर नंबर बिफोर बिगर नंबर से पहले होगी तो उसके वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा 5 और 5 से पहले क्या लिखा हुआ है, 1। यहाँ पर हमने यही देखा था ना कि स्मॉलर नंबर हमारा पहले है और बिगर नंबर हमारा बाद में है, तो 5 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 5 में से 1। जब 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 4 के। यानी 1 एंड 4 ये हमारा क्या बनेगा, इज इक्वल्स टू 4। ओके क्लास, समझ में आया? ओके, नाउ रूल नंबर थ्री क्या है कि व्हेन ए स्मॉलर नंबर इज रिटन आफ्टर अ बिगर वैल्यू, अगर कोई भी स्मॉलर नंबर किसी बिगर वैल्यू के बाद होगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम उसमें प्लस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी की एग्जाम्पल ले लेती हूँ, यहाँ पर वी के बाद आई था तो हमने इसको क्या करा, माइनस करा, और ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो गई, 4 के इक्वल हो गई। अगर मैं इस 5 को नंबर से पहले लिख दूँ यहाँ पे, अगर इस 5 को मैं नंबर से पहले लिख दूँ और उसके स्मॉलर नंबर को मैं उसके बाद में लिख दूँ, तो अब इस 5 में मैं इस नंबर को क्या कर दूंगी, प्लस कर दूंगी। 5 प्लस इज इक्वल्स टू 6। यानी अगर हमें लिखना हो क्लास 6, तो हम इस तरह से उसको रोमन नंबर में लिख सकते हैं। तो रोमन नंबर से हम कुछ अल्फाबेट यूज करते हैं, ये बात याद रखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसमें हम फिर प्लस करते रहते हैं। फॉर कैसे, जैसे 1, 2, 3, 4 माइनस कर दिया, 5, 6। अब हम मुझे 7 लिखना है तो मैं यहाँ 5 में 2 आए को इसमें प्लस कर दूंगी, लिख दूंगी, ताकि हमें पता चले कि ये जो 5 है ये बिगर नंबर है, उसके बाद दोनों स्मॉलर नंबर है, तो हमने इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर दिया, तो ये किसके बराबर हो गया, 7 के। अब हम कुछ बुक्स की एक्सरसाइज लिख लेते हैं कि बुक्स में किस तरह से हमें यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। पेज नंबर 9 पे रोमन नंबर्स हैं। यहाँ पे भी देखें, पहले अरबिक न्यूमेरल्स हैं, नंबर्स नेम हैं, रोमन नंबर्स हैं। ये 20 तक आपको काउंटिंग दी गई है और इसको आप गौर से देखिएगा। आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आप पेज नंबर 10 और आपको जो वर्कशीट दी जाएगी उसको सॉल्व कीजिएगा। पेज नंबर 10 में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर देखें, ये बिगर नंबर है, उससे पहले स्मॉलर नंबर है, तो इसमें से x में से माइनस करेंगे 1 को, तो ये क्या होगा, इज इक्वल टू 9 के होगा। तो इस वर्ड का होम जो है वो 9 नंबर है, तो यहाँ पर इस तक हम इसको मैच कर देंगे। यहाँ क्या है, ये 10 है, इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास 11 हो जाएगा। तो इस बर्ड का जो होम होगा वो क्या होगा, 11 नंबर होगा इसको मैचिंग। ये सिंपल, हमारे पास v है, ये 5 है, तो ये क्या होगा, v को हम 5 के साथ मैच कर देंगे। देन x मीन्स 10, 5 मीन्स 5, x में 5 को प्लस करें 15, और उसके पास कितने नंबर है, 3i हमारे पास, तो ये क्या है, 3i, इसको हम 18 तक प्लस कर देंगे। नेक्स्ट क्लास तक के लिए सब अपना असाइनमेंट रेडी रखिएगा, जब व्हाट्सएप पर जो भी आपको वर्कशीट दी जाए उसको रेडी रखिएगा और सबमिट करवा के उसको चेक करवाइएगा। और अगर जो भी प्रॉब्लम हो उसको व्हाट्सएप पे जो आपको टाइम अलॉट किया जाए उसमें पूछने की टीचर से कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।